नमस्कार, त्रिशला ऑर्थोपेडिक क्लिनिक के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बच्चों में होने वाले एक फिजियोलॉजिकल जीनो वायरस के बारे में बात करेंगे। अक्सर जब भी बच्चा घर में आता है, पैदा होता है, उसमें सभी पेरेंट्स, सभी अभिभावक, घर में सबके सभी सदस्य बहुत खुश होते हैं कि एक नया घर का सदस्य आया है। अक्सर क्या होता है कि जब बच्चे के पैर की तरफ ध्यान उनका जाता है तो अक्सर बच्चों का पैर अंदर की तरफ घुमा हुआ होता है, जो कि सामान्यतः पाया जाता है। इसको लेकर के जो घर में सीनियर सदस्य होते हैं वो अक्सर परेशान हो जाते हैं, घबरा जाते हैं, कोई ऐसी समस्या तो नहीं है जिसकी वजह से इसमें प्रॉब्लम्स आ रही है, उसके लिए क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, सामान्य चीज़ें हैं कि कुछ अबनॉर्मल हैं। तो आज उसी के बारे में बात करेंगे जिसको हम बोलेक बोलते हैं, जीरो वायरस बोलते हैं, और ये फिजियोलॉजिकल होता है। अब हमें ये देखना है कि बच्चे के पैदा होने के बाद से उम्र बढ़ने के साथ साथ पैरों में क्या बदलाव आता है। एक डमी मॉडल के तौर पे हम दिखा रहे हैं। जब भी बच्चा पैदा होता है तो पैदा होने पे अक्सर उसमें जो घुटना होता है वो बाहर की तरफ निकला हुआ होता है। ये इस तरह से होता है, जो पैर देख रहे हैं ये ऐसे होता है, पैर हल्का सा ऐसे कर्व होता है, यहाँ पे होता है, इस तरफ भी, दोनों तरफ इस तरह से होते हैं। ये बोइंग होती है, और जो बोइंग होता है थाई बोन और टिबिया बोन दोनों का होता है, बहुत हल्का सा होता है, एक स्पेसिफिक ग्रेड होता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है बोइंग धीरे धीरे करेक्ट हो जाता है, और 2 साल की उम्र के बाद पैर एकदम स्ट्रेट हो जाता है। लेकिन स्ट्रेट ही नहीं रहता है, 2 साल के बाद वो पैर घुटने के बाद से तरफ से हल्का सा बाहर जाने लगता है। इसको बोलते हैं जीनो वल्गस। इस सामान्यतः 3 से 4 साल पे 10 से 11 डिग्री हो जाता है, और 6 से 7 साल की उम्र में आते आते उस सामान एडल्टहुड में जितना जीनो वल्गस नॉर्मल होता है उतना पे आ जाता है, वो होता 7 डिग्री होता है। तो जो मैंने बात किया कि नवजात शिशु जो बच्चे होते हैं घुटने के नीचे पैर अंदर की तरफ जो धनुषाकार बोइंग में सामान्यता होता है, वो कोई असामान्य बीमारी नहीं होती है। जैसे जैसे बढ़ेगा घुटना सीधा होता जाएगा, 3 साल के 4 साल के आसपास बाहर चला जाएगा घुटने से नीचे पैर, वो जीनो वल्गस होता है, वो लगभग 11-12 डिग्री होता है। सामान्य जो डिग्री होता है 7 डिग्री का होता है, वो 7-8 साल की उम्र में आ जाता है। तो ये 3 पैटर्न माने जाते हैं, जीनो वायरस जो कि बहुत ही कॉमन है, सामान्य होता है, नवजात शिशु में होता है, और मैक्सिमम 2 साल के अंदर होता है, यूजली 8 से 12 महीने के बीच में ज्यादा होता है, फिर सामान्य हो जाता है, फिर जीनो वायरस होता है। तो 3 पैटर्न आपने देखा। ये सामने स्क्रीन के सामने 2 फोटोग्राफ्स आपको देखेंगे किस तरह से होता है। और जो जीनो वायरस में बोइंग होती है वो थाई बोन टीबिया बोन लगभग दोनों में होता है, टीबिया में ज्यादा नजर आता है, नीचे वाली घुटने के नीचे वाली हड्डी में, ऊपर वाले में कम होता है। और जब भी हम एक प्लंप लाइन ड्रॉ करते हैं कूल्हे के हड्डी से लेकर के ऐसे करके, तो वो सीधा स्ट्रेट आपको एंकिल पे गिरता है और घुटना बाहर की तरफ होता है वायरस में। और जब वल्गस होगा तो ये होगा, वो घुटने के बाहर की तरफ वो प्लंप लाइन गिरता है, तो उसको मैकेनिकल अलाइनमेंट कहा जाता है। ये ट्रीटमेंट पर्पस से हम लोग देखते हैं। जीनो वल्गस जो होता है, जो नॉक नी बोलते हैं उसको दूसरा शब्द होता है, उसमें बच्चों के दोनों घुटने आपस में टच करते हैं, ऐसे होता है, जब पैर ऐसे होगा दोनों घुटने आपस में टच करेंगे चलते वक्त, इसको नॉक नी जीनो वल्गम बोलते हैं। और सामान्यतः जब भी बच्चा कोई चलता है, हम आप चलते हैं, तो दोनों पैरों के बीच में थोड़ा सा स्पेस होता है और नॉर्मल होता है, और जीनो वल्गम में वही जो स्पेस होता है वो ज्यादा बढ़ जाता है घुटने के बीच में स्पेस। तो ये 3 तरीके से ये लोग प्रेजेंट करते हैं। अब सामान्यता मैंने बताया कि प्राकृतिक होता है, फिजियोलॉजिकल होता है, जो कि नवजात शिशु और इन्फेंट में पाया जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल उसी की वजह से होता है। एक बच्चे में विटामिन डी की कमी है तो जो जीनो वायरस बोइंग आप टीबिया का देख रहे हैं वो बढ़ जाता है। वो विटामिन डी की कमी जो होती है, जो बच्चा फीड करता है, माँ का दूध लेता है,
माँ को कमी है विटामिन डी, तो बच्चे को भी विटामिन डी की कमी होगी। दूसरा, सनलाइट उसको नहीं मिलता है, न्यूट्रिशन की कमी रहती है, तो उसके वजह से होता है। और दूसरे कारण भी होते हैं जिसमें सीवियरिटी बहुत ज्यादा होती है और बाद में भी परसिस्ट करता है, जैसे बोन डिस्प्लेसिया होता है, एकांड्रोप्लेसिया होता है, या चोट लग गया, इन्फेक्शन हो गया, ट्यूमर हो गया, इन सब की वजह से भी होता है, तो भी बड़े बच्चों में होता है। इसके अलावा कभी कभी कुछ बच्चों में लिगामेंटस लैक्सिटी बहुत ज्यादा होती है, उसकी वजह से भी घुटना बाहर की तरफ भागता है। और एक बीमारी होती है ब्लाउन डिजीज होता है, जिसमें जो टीबियल कॉन्डाइल होती है, जो घुटने के नीचे जो टीबिया का बोन होता है, उसका अपर वाला सरफेस जो होता है अंदर की तरफ डिप्रेस्ड होता है, तो पैर अंदर की तरफ घुमा हुआ होता है। तो ये सब बहुत सारे कारण होते हैं। चोट लगने से भी बोइंग हो सकता है, टीबिया फ्रैक्चर हुआ, गलत जुड़ गया, अंदर की तरफ घूम गया। सामने स्क्रीन पे आप देखेंगे एक बच्चे का फोटोग्राफ, उसका एक्सरे भी मैंने दिखाया हुआ है, ये ब्लाउन डिजीज होता है। उसमें आप ध्यान से गौर करेंगे तो जो घुटने के पास जो टीबिया का जो ग्रोथ प्लेट होता है वो एकदम कॉनिकल हो जाता है, डिप्रेस्ड हो जाता है, जिसकी वजह से पैर बाहर की तरफ भाग जाता है। इसे भी कई सारी चीजें होती हैं, इसके बारे में हम एक दूसरा लेक्चर होगा, हम डिटेल में बात करेंगे, लेकिन अभी इतना जानना जरूरी है कि फिजियोलॉजिकल जन्म के समय होता है, ब्लाउन रोड बाद में नजर आता है, और ये प्रोग्रेसिव होता है, जबकि फिजियोलॉजिकल नेचुरल जो होता है करेक्ट हो जाता है। जो डिस्प्लेजिया की बात करेंगे तो अक्सर आप लोग देखते होंगे बौने, कुछ लोग होते हैं बौने जो होते हैं दो तरीके होते हैं, एक हाइपोकांड्रोप्लेजिया होता है, एक कांड्रोप्लेजिया होता है। हाइपोकांड्रोप्लेजिया जो नॉर्मल और बौनों के बीच में थोड़ा सा होता है, हाइट कम होती है, लेकिन बहुत ज़्यादा हाइट कम नहीं होती है। एक कांड्रोप्लेजिया में हाइट बहुत कम होती है, लगभग एक मीटर सवा मीटर के आसपास होती है, तो हाइट कम होती है लेकिन बोन बहुत थिक होती है इन दोनों में। और उसमें क्या होता है कि इसमें भी टिबिया का जो ऊपर का सरफेस है, ग्रोथ प्लेट है, नीचे का जो एंगल जॉइंट के पास ग्रोथ प्लेट है, वो भी थोड़ा सा दब जाते हैं और पैर पूरा पूरा अंदर की तरफ घुमा हुआ होता है। लेकिन इससे बहुत ज्यादा समस्याएं नहीं आती है, लेकिन इसको हम ठीक कर सकते हैं। अब जिसके बारे में आज लेक्चर है, फिजियोलॉजिकल जीनोवायरम, नेचुरल जीनोवायरम की बात करेंगे, उसके बारे में बात करते हैं कि नवजात शिशु में जीनोवायरम और आंतरिक जो टिबियल मरोड़, आंतरिक टीबियल मरोड़ क्या होता है, जीनोवायरम तो आपको मैंने बताया ये होता है, टीबियल मरोड़ मतलब अंदर की तरफ टीबिया घूम जाती है, ये अंदर की तरफ हल्का सा रहता है। तो दोनों चीजें एक सामान्यता पाया जाता है, और जैसे जैसे शारीरिक विकास होता है वो धीरे धीरे करेक्ट हो जाते हैं और नेचुरल करेक्शन होता है, इसलिए इस समस्याओं के लिए कोई इलाज नहीं किया जाता है। लेकिन एक चीज उसके साथ ये होता है, आपने देखा होगा जब बच्चे पैदा होते हैं, तो बच्चे जब पैदा होते हैं तो पूरा थाई और नी जो होती है एकदम बेंड होता है, पेट पे से चिपका होता है। जब घर में जो सीनियर लोग होते हैं, दादी नानी मम्मी जो भी है, तेल की मालिश करके धीरे धीरे करते हैं, धीरे धीरे जो डिफार्मिटीज होती है घुटने और कूल्हे में जो मुड़े रहते हैं, फ्लेक्शन डिफार्मिटीज होती है, तेल मालिश करते करते वो करेक्ट हो जाता है। तो जो शुरुआती दिनों में यूजली टीबिया वगैरह नजर नहीं आता, जब तेल मालिश करके घुटने और कूल्हे जब सीधे होने लगते हैं तो हमको टीबिया वगैरह जाके नजर आता, बोइंग नजर आने लगता है। और जैसे मैंने बताया कि ये 2 साल के पहले होते हैं, 6 महीने से 12 महीने के बीच में मैक्सिमम वायरस डिफार्मिटी होती, फिर करेक्ट हो जाती है। लेकिन यही चीज फिजियोलॉजिकल जो जीनोवायरम की बात कर रहे हैं, 2 साल से ज्यादा परसिस्ट करता है, तो मतलब हमको देखना चाहिए कि इसके कारण क्या है, किस वजह से ये परसिस्ट कर रहा है, तो उसको पैथोलॉजिकल बोलेंगे। असामान्य होगा, कुछ ना कुछ कारण जरूर होगा जिसकी वजह से ये हो रहे हैं। फिजियोलॉजिकल बोइंग का क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है, ये बर्थ से 2 साल के बीच में होता है, दोनों तरफ दाएं बाएं दोनों तरफ पाया जाता है, और थाई बोन और टीबिया लेग की बोन दोनों में मिलता है, फीमेल टीबिया में दोनों होता है, लेकिन इनके कद पे और हाइट पे इनका कोई असर नहीं पड़ता, सामान्य कद के लोग होते हैं। ये होता है फिजियोलॉजिकल बोइंग का एक करैक्टर होता है। मैंने बताया कि इंटरनल टीबियल टॉर्जन्स कुछ बच्चों में पाया जाता है, तो उससे जो जीनू वायरस होता है वो ज्यादा नजर आता है, वो बढ़ा देता है उसकी वजह से। लेकिन चलते वक्त कभी भी ये नहीं लगेगा, जैसे कुछ बच्चे आपने देखे होंगे कि लर्च करके चलते हैं,
जब खड़े हैं तो सामान्यता देखा होगा कि बोइंग उतनी नजर नहीं आती है, जैसे ये बच्चा मैंने मॉडल लिया है खड़ा हुआ है तो हल्का सा बोइंग है, लेकिन जब चलते हैं तो ज्यादा हो जाता है, इधर ज्यादा हो जाता है, तो ये एक लेटरल थ्रस्ट होता है, ये अब नॉर्मल है, इसमें कुछ ना कुछ समस्याएं होगी, इस जो हमारी मांसपेशियां होती है उसकी ढीलापन हो या कोई और समस्या हो, लेकिन फिजियोलॉजिकल जीनोवायरम में ये लेटरल थ्रस्ट नहीं पाया जाता है। जितनी बोविंग आपको सामान्य दिखती है चलने में ही उतनी बोविंग दिखती है। ये दो फोटोग्राफ्स आपको मैंने दिखाए छोटे बच्चों के हैं, उसको आपको देख के लग जाएगा कि सामान्य है, लेकिन ये फिजियोलॉजिकल बोविंग है, इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब इसके लिए कोई दवा नहीं करनी है, कोई इलाज नहीं करना है, परेशान नहीं होना है। तो परेशान होना कब है उसके बारे में हम बात करेंगे, उसको पैथोलॉजिकल बोलते हैं। असामान्य कारण कुछ ना कुछ होगा, 2 साल के बाद जीनू वायरस परसिस्ट करता है, और दोनों जो घुटने के बीच में स्पेस है, यदि हम बच्चे को लेटा दे या ऐसे खड़ा कर लें, दोनों के बीच में पैर को मिला लेते हैं, तो स्पेस 5 सेंटीमीटर से ज्यादा है, तो यह असामान्य होगा, कोई ना कोई कारण होगा। तो क्या क्या पैथोलॉजिकल हो सकती है, 2 साल से ज्यादा, दोनों घुटने के बीच में 5 सेंटीमीटर से ज्यादा स्पेस हो, एक तरफ का जीनू वायरस हो, फैमिली में किसी को स्केलेटल डिस्प्लेजिया या बहुत छोटे कद का कोई व्यक्ति घर में हो, चोट लगा हो या कोई इन्फेक्शन उनको हो गया हो, ऐसी हिस्ट्री मिलती है तो पैथोलॉजिकल होने के चांसेस ज्यादा हैं। जो मैंने बताया घुटने के बीच में स्पेस कैसे नापना, सामने स्क्रीन पे आप देखें देख रहे हैं कि उसमें डिस्टेंस कैसे नापा जाता है, यदि 5 सेंटीमीटर से ज्यादा है तो हमको वरी होने की जरूरत है। अब इस लेक्चर में पहले हम केवल एक चीज पैथोलॉजिकल के बारे में बात करेंगे, वो होता है रिकेट। रिकेट इसलिए मैं बात कर रहा हूं क्योंकि रिकेट तो सामान्यता हर एक सोसाइटी में मिलता है, बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से जो फिजियोलॉजिकल जो सामान्य एक नेचुरल जीनू वायरस है वो बढ़ जाता है, तो इसके बारे में इस लेक्चर में बात करना बहुत जरूरी है, और रिकेट को एक कुछ दवाइयां दे देते हैं पूरी तरह से समाप्त भी हो जाता है, ठीक भी हो जाता है। तो रिकेट जो होता है जीनू वायरस के जो कारण में जो शारीरिक कारण है उसके बाद सबसे कॉमन कारण होता है, तो जीनू वायरस किसके वजह से होता है, फिजियोलॉजिकल है, और कारण में दूसरा कारण देखा जाए तो रिकेट विटामिन डी की कमी की वजह से होता है। ये फिजियोलॉजिकल जीनू वायरस की जो आपने सीवियरिटी देखी है उसको बढ़ा देती है, लंबे समय तक परसिस्ट करती है, और उसके साथ में कुछ और भी साइन सिम्टम्स रहते हैं। और सामान्यतः रिकेट जो जीनू वायरस होता है वो 6 महीने से 3 साल के बीच में जो जीनू वायरस होता है उसकी जो कारण होता है रिकेट ज्यादा होता है। रिकेट होता क्यों है, रिकेट क्या मतलब होता है, जो हड्डी में जो मिनरलाइजेशन होता है, जो कैल्शियम और फास्फोरस का डिपोजिशन होता है वो डिफिशियंट होता है, वो प्रॉब्लमेटिक होती है। तो होगा क्यों, ऐसे बच्चों में विटामिन डी की कमी हो सकती है, कैल्शियम की कमी हो सकती है, फास्फोरस की कमी हो सकती है, और अक्सर जब विटामिन डी की कमी होती है तो उसमें ये बायलेटरल होता है, दोनों तरफ होता है, दोनों तरफ सिमेट्रिक बोविंग होगा, क्वेश्चन क्योंकि पूरे शरीर की बोन वो वीक होती है, कोई एक तरफ का नहीं होता है, एक तरफ का होगा जो और कारण मैंने बताए हैं वो सब हो सकते हैं, लेकिन बोविंग जो फिजियोलॉजिकल रिकट में जैसे होता सामान दोनों तरफ होता है, उसी तरह से रिकट की वजह से भी होता है। रिकट के और बहुत सारे सिम्टम्स हैं, बच्चा थ्राइव नहीं कर पा रहा है, सामने आप स्क्रीन पे देख रहे हैं फोटोग्राफ्स मैंने दिखाया हुआ है, बहुत छोटा बच्चा है तो लार्ज फॉन्टनेल आपको दिखेगा, ग्रोथ उसका स्टंटिंग दिखेगा, टीबिया फीमर की बोविंग दिखेगी, और जो ये एंड होता है बोन का ये चौड़ा चौड़ा दिखेगा, यहाँ पर घुटने पे एंकल जॉइंट पे पेट उसका फूला हुआ होता नजर आएगा, रिकेटिक रोजरी ये हड्डी ये प्रोमिनेंट चेस्ट पे हो जाते हैं, और पेट फूला है और हड्डी नीचे दब जाती है तो एक यहाँ पे मार्किंग नजर आती है, और भूख नहीं लगता है, ग्रोथ अच्छे ढंग से नहीं होती है, और चोट लगने पे फ्रैक्चर होने का भी खतरा ऐसे बच्चों में रहता है। ये रिकेट को इसको में हम लोग पहचान सकते हैं, और रिकेट के बारे में जनरल पब्लिक को जानना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि आजकल सनलाइट मिलती नहीं है, घरों में बच्चे कैद रहते हैं, और जो न्यूट्रिशन होता है उसमें भी विटामिन डी की कमी होती है, क्योंकि वेजिटेरियन डाइट में विटामिन डी नहीं मिल पाता है। तो इसके जो कारणों की बात करें,
जो मैंने बताया न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी और सनलाइट का एक्सपोजर ना होना, ये प्रमुख कारण विटामिन डी डिफिशियंसी रिकेट का होता है। विटामिन डी डिफिशियंसी जो होता है और कारणों से होता है, उसमें फैमिलियल कारण होता है, परिवार में चलता है, जेनेटिक कारण हो सकता है, किडनी की प्रॉब्लम किसी बच्चे को है तो उसमें भी कम होता है, उसके एब्जॉर्प्शन पुअर है, जैसे मिल्क कुछ लोगों का है एलर्जी होती है, इंडाइजेशन होता है, लीवर की प्रॉब्लम्स हैं, तो उसमें जो विटामिन डी का जो इनएक्टिव फॉर्म होता है, लेटेंट फॉर्म होता है, वो एक्टिविटी में एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो पाता है। जब तक एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होगा तब तक इस्तेमाल नहीं हो पाता है। अब विटामिन डी की बात हो गई, कैल्शियम की बात हो गई, रिकेट की बात हो गई, तो हमको देखना है कि इसके बारे में पता कैसे करें, कंफर्म कैसे करें। फिजियोलॉजिकल जीनोम वायरस के लिए किसी भी जांच की जरूरत नहीं होती है, लेकिन हमको थोड़ा सा भी शंका है, फिजियोलॉजिकल जीनोम वायरस से थोड़ा ज्यादा डिग्री का सीवियरिटी है, तो उसको सबसे पहले हम लोग एक्सरे कराते हैं, एक्सरे स्टैंडिंग पोजिशन में कराते हैं और कूल्हे से लेकर के पंजे तक का कराते हैं, तो उसमें एक तो डिफॉर्मिटीज कितनी की पता लग जाएगा, कोई दूसरी बीमारी है तो वो समझ में आ जाएगा, रिकेट के कुछ साइन सिम्टम है तो वो समझ में आ जाएगा। एंड एक्सरे से ही विटामिन डी के जो रिकेट्स का जो रीजन होता है समझ में आ जाता है, बहुत रेयरली होता है, हमको ब्लड इन्वेस्टिगेशन भी कराना होता है, लगता है कि रिकेट सामान्य न्यूट्रिशनल है या कोई और कारण है, तो उसके लिए विटामिन डी की जाँच, सीरम कैल्शियम फॉस्फोरस की जाँच, सीरम क्रिएटिनिन की जाँच, पैराथायरॉइड हार्मोन, और ज्यादा जांच कराने की जरूरत है तो 24 आवर का यूरिन लेकर के उसमें एल्बुमिन, क्रिएटिनिन, कैल्शियम, फास्फोरस ये सब देखा जाता है। इससे रिकेट के बहुत सारे जो कारण होते हैं उसके बारे में हम लोग आइडेंटिफाई कर लेते हैं, लेकिन वो रेयरली जरूरत पड़ता है, केवल उन्हीं बच्चों में जरूरत है जिनकी सीवियरिटी बहुत ज्यादा है, विटामिन डी देने से लाभ नहीं मिल रहा है और कुछ सस्पिशन है कि सामान्य न्यूट्रिशनल रिकेट इसमें नजर नहीं आ रहा। सामने आपके स्क्रीन पे देखेंगे एक एक्सरे नजर आ रहा है, आपको देखेंगे जो सामान्य टीबिया या जो नी ज्वाइंट होता है उसका नजर ना करके चौड़ा चौड़ा नजर आ रहा है, तो इसमें जो फाइसिस जहाँ पे ग्रोथ प्लेट होती है वो थिकेंड होती है, चौड़ी होती है, ट्रेबिकुली जो होती कोर्स होता है, सामान्य जो एक अच्छा सा दिखता है व्हाइट कलर का वो नहीं दिखता है, और कॉर्टिकल बोन डेंसिटी थोड़ा सा कम दिखती है, माने एकदम से ब्लैकिश ज्यादा दिखता है, व्हाइटिश ज्यादा नहीं दिखता है। ये एक और एक्सरे मैंने लगाया, पूरी पूरी टीबिया और फीमर में आपको बोविन नजर आएगा, डिस्टल फीमर, प्रॉक्सिमल टीबिया माने घुटने के पास, और नीचे जो एड़ी के पास भी जो होता है वहां पर भी टीबिया जो है फैली नजर आ रही है और बोविन वहां पर भी नजर आ रहा है। अब हम बात करेंगे ट्रीटमेंट का क्या करना है। फिजियोलॉजिकल जीनोम वायरस 2 साल से कम उम्र का बच्चा है, बहुत हल्के ग्रेड का बोइंग है, तो किसी तरह के किसी भी जांच ना दवा की जरूरत है, लेकिन यदि शंका होता है तो उसको एक्सरे करा करके रिकेट की पहचान करनी जरूरी होती है, और उसको रेगुलर 4 से 6 महीने के इंटरवल पे हमें एक फॉलो करना है, अपने आप रिग्रेशन में चला जाता है। लेकिन अक्सर क्या होता है, जो पहले भी इस्तेमाल होता था आज भी इस्तेमाल होता है, कुछ लोग ब्रेस देते हैं, स्प्लिंट देते हैं, शू इंसर्ट देते हैं, ये इनइफेक्टिव होता है, जरूरत नहीं पड़ती है, और इससे बच्चों पे इनपे, क्योंकि बच्चे तो क्या होते हैं दिन भर भागना कूदना काम करना एक्टिव रहने की जरूरत है, और ब्रेस बांध देने से बच्चों की एक्टिविटीज रुक जाती है, इन पे साइकोलॉजिकल प्रेशर पड़ता है, उसको कोई बेनिफिट भी नहीं होता, इसलिए अक्सर ऐसे ब्रेसेस की देने की जरूरत नहीं होती है। अब हम बात करेंगे जिसकी वजह से फिजियोलॉजिकल जीनोम वायरस बढ़ जाता है, रिकेट, रिकेट का ट्रीटमेंट क्या है, क्योंकि डिफिशियंसी है विटामिन डी उसको देना है, कितना डोज देना है वो पीडियाट्रिशियन या पीडियाट्रिक ऑर्थोपेडिक सर्जन काउंट करते हैं, कई तरीके से दिया जाता है, डेली बेसिस पे दिया जाता है, हफ्ते के बेसिस पे दिया जाता है या बोलस डोज दे दिया जाता है, वो डिपेंड करता है बच्चे की क्या हेल्थ की स्टेटस है, कितना प्रॉब्लम्स हैं, कितने पेरेंट्स सिंसियर हैं और किस तरह से डोज की जरूरत पड़ती है। लेकिन विटामिन डी देने के साथ साथ उनको कैल्शियम और फास्फोरस सप्लीमेंट देना भी बहुत जरूरी है। कुछ बच्चे मिल्क से एलर्जी होती है या मिल्क नहीं लेते हैं या उनके जो डाइट में उनकी कमी होती है तो अलग से कैल्शियम फास्फोरस देना बहुत जरूरी है, और अक्सर ऐसे कुछ बच्चों में विटामिन सी और विटामिन बी की भी कमी होती है तो उसको सप्लीमेंट भी किया जाता है।
क्योंकि बोन का एंड बन रहा है, प्रोटीन सप्लीमेंट भी अच्छा होना जरूरी है, और खाने में डाइट में उनको ध्यान देने की पेरेंट्स के लिए एडवाइस किया जाता है। जो रिकेट की डिफॉर्मिटीज होती है अक्सर और मोस्टली ये मेडिकल ट्रीटमेंट विटामिन डी कैल्शियम से ठीक हो जाती है। सर्जिकल जो ट्रीटमेंट्स होते हैं बहुत रेयरली जरूरत पड़ता है, सर्जरी की जरूरत उसी में करते हैं जब डिफॉर्मिटीज ज्यादा हो। एडिक्वेट मेडिकल ट्रीटमेंट हमने दे दिया है और डिफॉर्मिटीज करेक्ट नहीं हो पाती है तभी हम लोग सर्जरी की जरूरत करते हैं। तो हमें रिकेट से बचना है, बोइंग डिफॉर्मिटी से बचना है, तो हमें सनलाइट का एक्सपोजर लेना बहुत जरूरी है और विटामिन डी का कम होना होल पॉपुलेशन में देखा जाए बहुत कॉमन है, क्योंकि तो सनलाइट भी कम है और डाइट हम लोग का वेजिटेरियन है और जो सनलाइट मिलती भी पोल्यूशन की वजह से भी हम लोग को नहीं होता, पूरा शरीर हमारा कवर होता है, इसलिए विटामिन डी कैल्शियम का सप्लीमेंट हमें लंबे समय तक लेते रहना चाहिए। इसके लेते रहने से, बच्चों को देते रहने से बच्चों की होने वाली समस्याओं को हम रोक सकते हैं, बचा सकते हैं। तो आइए, किसी भी बच्चे को आपको तीनों वर्ष बोइंग दिखता है तो आप आसपास आपके बच्चों के जो ऑर्थोपेडिक सर्जन को दिखाएं, कंसल्टेशन लें, विटामिन डी कैल्शियम दें। ब्रेस की जरूरत तभी लेना है जब बहुत ज्यादा डिफॉर्मिटीज हो या डॉक्टर की एडवाइस पे ही लेना है। नमस्कार।